नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं राजधानी समाचार न्यूज। आइए बढ़ते हैं अब आज की खास खबरों की ओर। बड़ी खबर आजाद नगर भाभरा से, जहां पर जिले की पुलिस अपराधों को गंभीरता से नहीं ले रही है। इस कारण मारपीट करने वाले बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो अब किसी की भी हत्या करने से नहीं चूक रहे। पुलिस की इसी लापरवाही के एक मामले में एसपी विजय बागवानी ने एक्शन लेकर चंद्रशेखर आजाद नगर थाने के टीआई सहित 3 बीट प्रभारियों को लाइन में पदस्थ कर दिया। मामला आजाद नगर क्षेत्र के कोरियापान का है। यहां आरोपी दीना पिता केवन बामनिया, सुरेश पिता जवान सिंह बामनिया, बका पिता केवन बामनिया, आजा पिता माना बामनिया व जवान सिंह पिता मनसुख बामनिया, निवासी कोरियापान चौकीदार फलिया ने रमेश पिता मेतु बामनिया उम्र 35 साल निवासी कोरियापान चौकीदार फलिया की लड्डू व फालिया मारकर हत्या कर दी। इससे पहले भी आरोपी ने 25 मई को पुराने विवाद को लेकर रमेश के साथ मारपीट की थी। उस समय फरियादी ने मारपीट की रिपोर्ट थाना आजाद नगर में की थी, लेकिन पुलिस ने आदम चेक काटा, लेकिन आरोपियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई नहीं की। यदि कार्रवाई की होती तो आगे यहाँ अपराध नहीं होता। जबकि 8 अप्रैल को एसपी ने आदेश जारी किया था कि थाने में जितनी भी मारपीट व अन्य शिकायतें आ रही, उन सब में जो भी त्रुटि करता है उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए। जब एसपी विजय बागवानी को पता चला इस मामले में पुलिस ने आरोपियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई नहीं की और अन्य अपराधों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, तो उन्होंने एक्शन लिया। टीआई कैलाश भारिया, एएसआई भीम सिंह सिसोदिया, एएसआई जितेंद्र सिंह बघेल, एएसआई वीर सिंह भारिया को लाइन में पदस्थ कर दिया गया। आजाद नगर से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।